आपको दिखाएंगे एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। सो एट फर्स्ट थैंक्स टू इंजीनियर ने मेरे को ये वीडियो सजेस्ट किया, एंड आप लोग प्लीज कमेंट करते रहिए एंड मेरे को सजेस्ट करते रहिए मेरे को किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उस तरह का वीडियो देने के लिए। तो चलिए हमारा मेन टॉपिक पे बात करते हैं, एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। सो एयर का जो प्रेशर होता है बहुत ही ज्यादा होती है, मैं आपको बोल देता हूँ एक स्क्वायर फीट में एयर का जो प्रेशर है लगभग 1000 टन। सो आप समझ सकते हो एयर का प्रेशर कितना ज्यादा है। हम एयर का प्रेशर इसलिए महसूस नहीं करते बिकॉज हमारा अंदर और बाहर का जो एयर प्रेशर है वो इक्वल है। आप सिंपली ऐसे करके एयर का प्रेशर को महसूस कर सकते हो, सिंपली ऐसे करके आप कितना देर तक ये कर सकते हो, मैक्सिमम 10 या 15 सेकंड, उसके ज्यादा नहीं। बिकॉज जब भी ये करोगे आपको पता चलेगा कि आपको बॉडी को बाहर से कोई कॉम्प्रेस कर रहा है, वो और कोई नहीं आपका सराउंडिंग जो एयर है वो आपका बॉडी को कॉम्प्रेस कर रहा है। तो चलिए आज दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाएंगे एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारा जो मेन रिक्वायर्ड थिंग्स है वो है, मैंने एक स्टील का थाली रखे है, एक प्लास्टिक का ड्रम, आप इसके बदल में प्लास्टिक के बॉटल भी यूज कर सकते हो, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। तो पहले आप एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए, उसके बाद में साइंस आपको बोल देता हूँ। तो मैं पहले इसमें हॉट वाटर डाल रहा हूँ, अब देखिए तो फ्रेंड बॉटल के अंदर ऐसे हॉट वाटर डालिए जिसमें से स्मोक निकल रही है। तो अब मैं इसको ढक्कन का बंद कर देता हूं। बॉटल को थोड़ा गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऑल राइट फ्रेंड, हमारा जो बॉटल है वो काफी गर्म हो चुकी है, आप इसके ऊपर मैं कोल्ड वाटर डाल रहा हूं, तो आप देखिए क्या होगा। एक कोल्ड वाटर है, आप धीरे से इसके ऊपर डाल रहा हूं। तो फ्रेंड आप देखिए ड्रम का शेप कैसे चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड हमारा जो ड्रम का शेप है तो पूरा चेंज हो चुकी है, देखिए आप इस तरह ढुक गया है, इस तरह भी ढुक गया है। एंड आपको बोला एयर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होती है। सो अंदर में वैक्यूम प्लेस और बाहर में एयर का बहुत ही ज्यादा प्रेशर, इसके लिए हमारा जो ड्रम है उसको बाहर का एयर उसको कंप्रेस कर दिया। सो इसके लिए हमारा जो ड्रम है उसका शेप बिगड़ गया, तो यही है मेन रीजन। तो उम्मीद करते हो इसका साइंस आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका सेकेंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड हमारे एक्सपेरिमेंट को मारने के लिए हमारा जो मेन रिक्वायर्ड है वो है वाटर, एक कैंडल स्टिक एंड एक बॉटल। तो हम वाटर में थोड़ा कलर मिक्स कर लिए अच्छा विजिबिलिटी के लिए। तो आप देखिए पहले एक्सपेरिमेंट देखिए, उसके बाद में साइंस आपको समझ देता हूँ। तो आप सिंपली एक बॉटल को लेकर ऐसे करिए, तो देखते हैं क्या होगा। तो फ्रेंड आप देखिए, फ्रेंड हम सभी जानते हैं जो आग है ऑक्सीजन के सहारे जलती है। तो हमारा जो बॉटल है उसको लेकर कैंडल स्टिक के ऊपर से बंद कर देने के बाद क्या हुआ, कैंडल का जो आग है बॉटल के अंदर जितने भी ऑक्सीजन है वो पूरे के पूरे एब्जॉर्ब कर लिए। सो उसके कॉज बॉटल के अंदर एक वैक्यूम प्लेस का उत्पन्न हुई, एंड आपको बोला एयर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होती है। सो बाहर का जो एयर का प्रेशर है वो हमारा जो ग्राउंड में जो वाटर है उसके ऊपर भी सेम प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एंड बॉटल की मूव नीचे होने के जरिए एंड उसके अंदर वैक्यूम प्लेस होने के जरिए
जो बाहर का जो एयर प्रेशर है वो हमारा वाटर में प्रेशर क्रिएट की एंड हमारा जो वाटर है वो बॉटल के ऊपर बॉटल के अंदर राइज हो गया। सो यही है मेन रीजन, उम्मीद करते हो आप समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।